पसे रियासम की सदारत हेठ एपेक्स कमेटी जो इजलास दहशतगर्दी के खात्मे लाए केतरा अहम फैसला अफगानिस्तान समेत पाड़ेसरी मुल्कन सा गालन नेक्टा सीटीडी पुलिस के अपग्रेड करण ते इतफाक पेशावर सानह में शहीद थी वियलन के वारसन के वीह लख जख्मन के पंज लख रुपया मुआवजो देण जो ऐलान इजलास में आर्मी चीफ डीजीआईएसआई वफाकी वजीर चाइनी सूबन जहा वा वजीर आजाद कश्मीर के वजीर आजम की शिरकत आर्मी चीफ डीजीआईएसआई इजलास के पेशावर धमाके केपी अंदर थियल दहशतगर्दी के बेन वाक्य बाबत ब्रीफिंग दिनी वही वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो दहशतगर्दी के खात्मे ताई सुख से न वेहंदासीं 2010 का हेल ताई केपी के सूबाई हिस्से का सिवाय दिनल 417 अरब रुपया किथे खर्च थिया उन की ऑडिट कराई वे पेशावर सानह की जांच थियण घुर्जे तो कमजोरी किथे हुई। महंगाई सटल आवाम की मुश्किल में इजाफो आईएमए बिजली ए गैस का अघ वधाण पेट्रोलियम शयन से 18% की जीएसटी लगाने की नई फरमाइश भी करे छी। टेक्निकी सतह से गालन में आईएमएफ सरकारी इदारन की रेगुलर ऑडिट कराण एलएनजी पावर प्लांट्स पीआईए स्टील मिल्स समेत बेन इदारन की निजकारी से जोर भर हुकूमत आईएमएफ के शर्तन से अमल कदे 17-22 ग्रेड ताई के कामोर संदन घर भातन की मिल्कियत तफसील जमा कराण लाजमी करार दई छो जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब कामोरन के बैंक अकाउंट्स मुल्क अंदर तोड़े परडेह में मिल्कियत तफसील जमा कराणा पवंदा। मैंने एक पार्टी के जो उनको भी इनवाइट किया है जो मुझे मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते वो मुझे खत लिखते थे एक डेट यूज टू बी अप्रूवल जोक कि मेरा नाम लिखे बगैर और साइन के बगैर लेटर आ जाता था जाति पसंद नापसंद से बालातर होके कोई भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट उससे बालातर होके हमें ये एफर्ट करनी होगी जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे से नफी में जवाब नहीं आएगा और कौम के इस अजीम तर मकसद के लिए हम सब इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के शिरकत की दावत देने की तस्दीक कर छी। वजीर आजम है तो एक लीडर मूसा हथ मिलान भी पसंद न कंदो हो उन बावजूद मुल्क खातिर खेस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दिनी है उम्मीद है तो अगियां भी मस्बत मोट मिलंदी। इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तरीके इंसाफ जिसके लीडर्स को कैद किया जा रहा है रातों रात उठाया जा रहा है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से ना अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले तो शर्म आनी चाहिए कि कौम ये समझते हैं कि इतनी ना समझ है इनकी सबकी समझ है कौम को उनको पता है कि इनकी हकीकत क्या है उनसे बोलें ये ड्रामे करने छोड़ें सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चले नहीं जाए। पीटीआई वजीर आजम पारा सदैल आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इनकार कर छो इमरान खान है तो साजिश हॉर्स ट्रेडिंग जरिए आयल हुकूमत के नो मने शहबाज शरीफ 10 महीनों अंदर मईशत जमहूरियत के तबाह कर छो हुकुमरान की अड़ी हरकतों सबब मुल्क में दहशतगर्दी वधी है असद उमर जो चवण है तो हुकूमत पारा सदायल एपीसी ड्रामो है इमरान खान शिरकत न कद असान अगवाणन खिलाफ केस दाखिल कया पा वन उन गड कि वेही सकूं।